स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी और एमएससी स्टूडेंट। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो भी मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट में ग्रुप थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट किया हूं और ग्रुप थ्योरी पे लगभग मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जहां पे मैंने ग्रुप के बारे में बताया था, ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट यहां पे जो आईटी बार है यहां पे जाके मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं और भी जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और लाइक आपको मल्टीपल वेरिएबल जो कैलकुलस है उसके ऊपर वीडियोस या डिफरेंशियल इक्वेशन और भी जो टॉपिक्स की वीडियोस वो भी यहां पे आईटी पे आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे ग्रुप थ्योरी के अंदर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कि जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है उस पे बेस्ड थ्योरम है वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि जैसे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ग्रुप होता क्या है। तो स्टूडेंट अगर कोई भी यहाँ पे सेट होता है, अगर ये सेट यहाँ पे क्लोज्ड हो देन यहाँ पे एसोसिएटिव हो तो सेमो ग्रुप होता है। अगर बाई चांस वो आइडेंटिटी और एग्जिस्ट कर जाता है तो उसको मोनोइड बोलते हैं। देन अगर इनवर्स और एग्जिस्ट कर जाता है तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं और अगर यहाँ पे कम्यूटेटिव और हो तो स्टूडेंट उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो आप वहाँ पे आईटी पे जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो देखेंगे तो आगे की चीज़ें समझ में आने वाली, नहीं तो नहीं आने वाली, राइट। क्योंकि ग्रुप के बाद ये चीज़ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप इसके अंदर देखिए, फॉर कन्वीनियंस वी शैल जनरली यूज द सिंबल स्टार। सो यहाँ पे जो हम लोग प्लस ऑपरेशन लेते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लेते हैं या जो भी ऑपरेशन लेंगे हम यहाँ पे सिंबोलिकली इसको स्टार से डिनोट करेंगे, ना बाइनरी ऑपरेशन जो भी ऑसम से डिनोट करेंगे स्टार से डिनोट करेंगे सिंबोलिकली, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहली जो थ्योरम होती है स्टूडेंट वो है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। स्टूडेंट यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो ग्रुप होता है उसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, आपको ये प्रूव करना है और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप इज यूनिक, तो इसका प्रूफ देखिए बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, जी स्टार बी ए ग्रुप हैविंग टू आइडेंटिटीज। मान लीजिए देखो हमें ये प्रूव करना है कि ग्रुप की आइडेंटिटी वन है, पर यार आप मान लीजिए कि यहाँ पे दो आइडेंटिटी है ना, हमने मान ली एक आइडेंटिटी ई और एक आइडेंटिटी ई डैश मान लिया, राइट। अब हम ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों आइडेंटिटी हमने मानी तो एक है पर भैया ये एक ही है, मतलब ये दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है, राइट। हम ये प्रूव कर देंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लेट ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, माना कि हमने ई आइडेंटिटी मान लिया, राइट। तो और ई डैश कोई दूसरा एलिमेंट है ना, ये ई डैश कोई दूसरा एलिमेंट है और ये ई हमने आइडेंटिटी मान लिया। तो हम जानते हैं अगर ई आइडेंटिटी होता है तो मान लीजिए कोई ए बिलोंग्स टू जी है तो हम जानते हैं कि ए ई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे ई की जगह क्या मान लिया, ई डैश मान लिया है ना, माना कि ई डैश बिलोंग टू जी और ई उसकी आइडेंटिटी है तो हम जानते हैं कि ई ई डैश स्टार है यहाँ पे इज इक्वल टू ई डैश ई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ई डैश के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बराबर होगा तो हमने ये ले लिया, राइट। अब हमने माना कि ई डैश अगर आइडेंटिटी है, अगर ई डैश आइडेंटिटी है तो हमने दूसरा एलिमेंट मान लिया ई, ठीक है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे ई इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यहाँ पे ई डैश के बराबर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ई के बराबर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ई डैश को आइडेंटिटी माना है ना, तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, ये ई डैश के बराबर है, क्लियर है। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज हैं ये और ये अल्टीमेटली एक ही चीज है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी ई डैश की बराबर आ रही है, इसकी वैल्यू किसके बराबर, ई पर, ये दोनों यहाँ पे क्या है सेम है। तो स्टूडेंट अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो गए यहाँ पे सेम, सो ई डैश ई इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि अल्टीमेटली ई डैश जो होगा वो ग्रुप का एक यूनिक एलिमेंट होगा, अगर वो यूनिक एलिमेंट है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों साइड बराबर थी ये दोनों साइड भी क्या होगी बराबर होगी। सो बाय वन एंड टू है ना, वन एंड टू हम क्या करेंगे यहाँ पे E dash is equal to E, therefore the identity element of group is unique. तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं एक बार और आप और थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ क्योंकि हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ भैया हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, यूनिक है। हमने मान लिया कि दो आइडेंटिटी है, एक E और एक E dash है, ठीक है ना, सो एक E और एक E dash है, तो हमने मान लिया कि अगर E आइडेंटिटी है तो E dash को हमने ग्रुप का एलिमेंट ले लिया तो E dash is equal to E dash हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट के लिए हमने यहाँ मान लिया कि E dash belongs to group, right? है ना, और दूसरे में हमने माना कि ई डैश एलिमेंट है तो हमने मान लिया कि ई बिलोंग्स टू जी है ना, मतलब ये ग्रुप का एलिमेंट है और ये इसकी आइडेंटिटी, राइट। तो ई डैश करेंगे तो ई डैश के बराबर है कि ग्रुप का एलिमेंट आएगा, और अगर यहाँ पर ई ग्रुप का एलिमेंट लिया है ना, अल्टीमेटली आइडेंटिटी भी ग्रुप का एलिमेंट होता है, पर आपको एक आइडेंटिटी लेना पड़ेगा और एक ग्रुप का एलिमेंट लेना, उसके साथ आप ऑपरेशन लगाओगे तो ई के बराबर। स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो इससे हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी यूनिक हो जाएगी, देयरफॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ग्रुप इन यूनिक, राइट। तो ये इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट थ्योरम होती है हमारी यहाँ पे नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो भी क्या होता है यूनिक होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले, ठीक है ना,
कि मतलब एक एलिमेंट का दो इनवर्स है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि दोनों इनवर्स क्या है, एक ही है, राइट। सो लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी स्टार एंड विच हैज टू इनवर्स। हमने मान लिया कि उसके दो इनवर्स है, एक बी है और एक सी है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं स्टूडेंट यहां पे कि अगर कोई भी एलिमेंट होता है, हम जानते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स स्टार ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है ना। हमने मान लिया यहाँ पे कि जो ए है उसका जो इनवर्स है हमने क्या मान लिया, वो बी है, और उसका जो इनवर्स है वो हमने क्या मान लिया, सी है। हम यहाँ पे ये प्रूव कर देंगे कि बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, मतलब दोनों जो एलिमेंट है वो सेम ही है क्योंकि इनवर्स एक ही होता है ना। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमने माना कि जो ए का इनवर्स बी है, तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला है कि ये इसका इनवर्स होता है, ये इसका क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। अब देखो ये इसका इनवर्स है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए स्टार बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, है ना। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी स्टार ए, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बोला यहाँ पे कि जो ए का इनवर्स सी है, इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी स्टार ए, है ना। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसको हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला जो ये ले लेंगे बी ए इज इक्वल टू ई ले लेते हैं ना। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, बी स्टार ए इज इक्वल टू ई ले लिया, स्टार लगा रखा है, वैसे स्टार नहीं लगाया तो चलेगा। देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों साइड में सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सी स्टार से यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ई स्टार सी हो जाएगा, राइट। अब हमने इसको करा, देन हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ए क्योंकि एसोसिएटिव भी होता है तो हम इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, राइट। और हम जानते हैं ई के साथ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जाएगा तो ये सी हो जाएगा। देन स्टूडेंट ए स्टार सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी के बराबर हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ये बी स्टार आइडेंटिटी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। हम जानते हैं इसकी वैल्यू बी होती है तो बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, सी। तो इस तरीके से यहाँ बी इज इक्वल टू सी हम प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। स्टूडेंट मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो मैं आपको फिर एक बार और ज्ञान दे देता हूँ कि ए का जो इनवर्स है, हमने मान लिया बी भी है और हमने मान लिया सी भी है। अगर ये इसका इनवर्स है तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर ये इसका इनवर्स है तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट किसके आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बी स्टार ए। और हम जानते हैं अगर ए का इनवर्स सी भी है तो हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं सी स्टार ए, है ना। कोई भी एक वैल्यू पकड़ लीजिए, इसको आप ले लीजिए यहाँ पे, तो बी स्टार ए इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, ई। स्टूडेंट दोनों तरफ हमने क्या करा, सी से आप प्रोडक्ट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे सी लेंगे तो ई स्टार सी हो जाएगा। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ए स्टार सी की वैल्यू पकड़ लेते हैं यहाँ पे, तो ए स्टार सी की जो वैल्यू है किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर आ रही है। स्टूडेंट हम आइडेंटिटी को सी से मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली सी आएगा, और यहाँ पे ये क्या आएगा, बी आएगा। सो बी इज इक्वल टू सी, इस तरीके से इसको हम प्रूव कर देते हैं। सो इसका मतलब यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है, और इनवर्स एलिमेंट भी जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब एक एलिमेंट का इनवर्स एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। देयरफॉर द एवरी इनवर्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक, सो द इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट इज इटसेल्फ, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, जी इज ग्रुप देन ए बी बिलोंग्स टू जी। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो इनवर्स का इनवर्स होता है वो ए के बराबर होता है, और ए बी जो इनवर्स होता है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या होता है, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब ये जो बोल रहा है कि दो एलिमेंट का जो इनवर्स होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसका रिवर्स ऑर्डर के इनवर्स के बराबर होता है, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। तो देखो इसका फर्स्ट का प्रूफ बताता हूं मैं, जो फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट है, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो यार हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, अगर कोई ए एलिमेंट है और उसका जो इनवर्स है ना, हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी के बराबर होती है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि ये इसका इनवर्स है, समझ रहे हो आप, मतलब ये इसका क्या हुआ, इनवर्स हुआ। तो यार इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये इसका इनवर्स हो, मतलब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। देखो इसका इनवर्स, ध्यान दीजिए, ए का इनवर्स जो है वो कितना आ रहा है, ए इनवर्स आ रहा है, इसका मतलब ये इसका भी इनवर्स होगा, क्लियर। तो वही बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, सिंस ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ए, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, ये इसका इनवर्स है, इसका मतलब ये भी इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, क्लियर है। इसका मतलब ये भी इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, मतलब इसका इनवर्स ये आएगा, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, है ना। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माना कि कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं उसका इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बाई चांस हम एडिटिव की बात करते हैं, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन की बात करी, तो एडिटिव में हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ए का माइनस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है,
ए के बराबर होता है। तो ये एडिशन वाले केस में, एडिशन जो ऑपरेशन होता था उसके वाले केस में इस थ्योरम को ऐसे भी बोला जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, हम आराम से इसको समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार हल्का सा और आइडिया देता हूँ कि अगर कोई एलिमेंट है, ध्यान दीजिए, है ना, उसका इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो भैया हम जानते हैं वो आइडेंटिटी के बराबर होता है, या ए इन्वर्स स्टार ए इज इक्वल टू ये होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इसका इन्वर्स है, ठीक है ना, ये इसका इन्वर्स एलिमेंट है। तो अगर ये इसका इन्वर्स एलिमेंट, इसका मतलब ये भी इसका क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा। मतलब क्या होगा, ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो ये आराम से इजीली प्रूव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड थ्योरम के प्रूफ, इस थ्योरम के प्रूफ की बात करते हैं। सिर्फ देखो, ए कोमा बी कोमा ए इन्वर्स कोमा बी इन्वर्स कोमा ए बी कोमा बी इन्वर्स ए इन्वर्स ऑल आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, क्योंकि सभी क्योंकि ग्रुप में है तो ये सब एलिमेंट क्या होंगे, ग्रुप के अंदर होंगे। सबसे पहले देखो, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, वो ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, बिना ग्रुप के एलिमेंट को हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे ये लेते हैं ना ए बी, यहाँ पे मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो लेता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, ए बी एंड देन मैं इसके साथ स्टार लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ B इनवर्स A इनवर्स, मैंने इसको लिया, क्लियर है। देखो मुझे क्या प्रूव करना है, आप बोलोगे सर आप करना क्या चाह रहे हो ये बता दो। तो भैया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये इसका इनवर्स है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया, एक डेफिनेशन जो भी मैंने बताया कि A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो A है इसका इनवर्स क्या होता है, A होता है ना, मतलब ये इसका इनवर्स होता है, क्लियर है। तो हम यही लेके चलेंगे, या फिर मैंने आपको बताया था ये भी इसका इन्वर्स होता है ना, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, क्लियर है। तो वही हम यह करने वाले हैं कि हमने ये ले लिया है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू आइडेंटिटी लेके आ जाता हूं, मतलब इसकी वैल्यू क्या लेके आ जाऊं, आइडेंटिटी, इसका मतलब इसका जो इन्वर्स होगा वो ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब अगर मैंने इसकी वैल्यू किसके बराबर लिया, आइडेंटिटी के बराबर लिया है, ध्यान दीजिए, अगर इसकी मैं भी आइडेंटिटी लेके आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका इन्वर्स होगा वो कौन होगा, B इनवर्स A इनवर्स होगा। भैया मेरे को ये प्रूव करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इसका इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है, इनवर्स है, और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, हम यहाँ से लेके चलेंगे इसको, है ना, हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम ये लेके चलेंगे, तो स्टूडेंट हम जानते हैं ए, एक्चुअली बीच में यहाँ पे बी स्टार बी इनवर्स एंड देन मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए इनवर्स, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं इसको, तो ये आएगा B, ठीक है जी। देन हम जानते हैं B इनवर्स B किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, क्लियर है। एंड देन हम जानते हैं यहाँ पे कि ये आइडेंटिटी इसके साथ करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, ये खुद ही एलिमेंट आ जाएगा। देन स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगी, तो आइडेंटिटी के बराबर आएगी। पर स्टूडेंट हम ये एक और चीज़ जानते हैं कि अगर ये इसके बराबर है तो भैया ए इनवर्स स्टार ए बी किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एक और प्रूव कर लेते हैं, यहाँ पे क्या प्रूव करते हैं, इसका रिवर्स ऑर्डर ले लो, मतलब क्या करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है ना, का स्टार इनटू ए बी, है ना, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, चेक करते हैं, ये भी किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए, है ना। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये बी इनवर्स ए इनवर्स ए एंड देन बी, स्टूडेंट हम जानते हैं बी ए इनवर्स ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी के बराबर होती है ना। एंड स्टूडेंट ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, ये किसके वैल्यू हो जाएगी, हम जानते हैं इसकी वैल्यू बी के बराबर होती है, देन ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी आ रही है, इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो यही हमने यहाँ प्रूव किया, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं इसकी वैल्यू इसके बराबर, ये तो हमने कर ही दिया। देखो नेक्स्ट जो अब अगला जो पार्ट है इसमें मैंने यही करा है कि ये हमने ये प्रूव करना है कि हमें ये क्या, इसकी वैल्यू किसके बराबर, आइडेंटिटी आ रही, तो हमने इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी के बराबर प्रूव कर दी, देन इसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी के बराबर प्रूव कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रूव किया कि ए बी, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या प्रूव किया मैंने, कि ए बी स्टार क्या लिया यहाँ पर, ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ प्रूव किया बी इनवर्स ए इनवर्स स्टार ए बी। तो भैया हम जानते हैं ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, मतलब ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस तरीके से इस थ्योरम को क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट ये बड़ा सिंपल सा प्रूव है, और अगर ये दो एलिमेंट के लिए तो स्टूडेंट ये एन एलिमेंट के लिए भी यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम इसको जनरलाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से ना, कि ए बी सी अप टू पी इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, पी इनवर्स, फिर उल्टा ये रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे कुछ रिमार्क भी है जो आपको समझने की जरूरत है स्टूडेंट, अगर ये बात हम यहाँ पे करेंगे, द कंपोजिशन इज एडिशन प्लस देन दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस, है ना, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
कि अगर इसका इन्वर्स है तो स्टूडेंट ये तो हम लिख सकते हैं ए। यहाँ पे क्या होता है, अगर बाई चांस, खैर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, कि जब हम देखो अभी मैंने आपके सामने बताया था कि ए बी का इन्वर्स, राइट, तो ये आएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, अगर ये बात हम एडिशन की बात करेंगे ना, लाइक हम बात करें ए प्लस बी का इन्वर्स, है ना, तो उस वाले केस में क्या आएगा यहाँ पे माइनस बी एंड माइनस का ए आएगा, क्योंकि इन्वर्स का मतलब होता है नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना, तो ये उल्टा खुल जाएगा, क्लियर है। तो खैर इसमें ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर बाई चांस कभी भी कोई कम्यूटेटिव ग्रुप है ना, मतलब अबिलियन ग्रुप है, हम जानते हैं अबिलियन में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। अगर यहाँ पे आप खोलेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप इसको खोलते हैं तो हम जानते हैं ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है ना। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी आप बी ए इन्वर्स ले लीजिए, है ना, तो बी ए इन्वर्स लेंगे तो स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, यहाँ पे हम जानते हैं इसकी वैल्यू होगी ए इन्वर्स बी इन्वर्स। पर स्टूडेंट हम यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए, तो जहाँ पर भी ए बी है हमने वहाँ पे क्या रख दिया, बी ए रख दिया, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब उस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली ऑर्डर का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये ए इन्वर्स बी इन्वर्स और बी इन्वर्स ए इन्वर्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो हम बी इनवर्स ए इनवर्स की जगह हम ए इनवर्स बी इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्लियर है। सो ये एक और थ्योरम है और बहुत अच्छा प्रूफ है, यहाँ पे इस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये भी बड़ी अच्छी थ्योरम है, और क्या होता है, इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ जी दैन द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। स्टूडेंट आपको ये प्रूव करना है कि ये इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और ये इस पे बेसिकली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम जानते हैं कि ए अगर जी में है तो हम जानते हैं ए इनवर्स भी जी में होगा, बाय हम जानते हैं इनवर्स एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी से। अगर ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी ए, तो ए इनवर्स बी भी जी में होगा, क्योंकि अगर ये एलिमेंट ए इनवर्स ग्रुप का एलिमेंट है और बी भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी इनवर्स क्या आ जाएगा, जी में आ जाएगा, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए ए इनवर्स बी एलिमेंट को लेके चलते हैं, है ना। जब ए ए इनवर्स बी एलिमेंट को लूंगा तो मैं यह क्या करूंगा, ए ए इनवर्स बी आ जाएगा, और स्टूडेंट ए ए इनवर्स बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई बी हो जाएगा, एंड देन हम जानते हैं ई बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये हमारा क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पे आ रहा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहां पर एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ए इनवर्स बी के बराबर। तो ये इस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। और सिंपल से बात है यार, ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा, समझदारी वाली बात है। तो यार इस थ्योरम को अगर प्रूव भी करना है तो कोई सिंपल सी बात नहीं है, आप ए को ए के साथ ए इनवर्स बी लेके चल लो, है ना, इस एक्स की जगह ए इनवर्स बी ले लो और आइडेंटिटी लेके आ जाओ, मतलब इस बी को लेके आ जाओ, अपने आप थ्योरम प्रूव हो जाएगी, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं यूनिकनेस की, स्टूडेंट यहाँ पे यूनिकनेस की बात करते हैं। तो यूनिकनेस क्या होता है, ध्यान दीजिए, मतलब अगर ये सॉल्यूशन, अगर दो सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लिया कि एक सॉल्यूशन हमारा x1 है, दूसरा सॉल्यूशन x2 है, तो हम प्रूव कर देंगे कि x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, है ना। तो ये यूनिकनेस है, क्लियर है। तो लेट द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b हैव टू सॉल्यूशन, एक हमने मान लिया x इज इक्वल टू x1 और दूसरा सॉल्यूशन मान लिया हमने x इज इक्वल टू x2। तो इसमें हम क्या करेंगे, ax1 इज इक्वल टू b और ax2 इज इक्वल टू b, अगर ये bb के बराबर, इसका मतलब ax1 और ax2 दोनों बराबर होंगे, a से हम कैंसिल करेंगे बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, है ना, कैंसिलेशन लॉ लगता है स्टूडेंट, इसका भी प्रूफ मैं बताऊंगा आपको। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ axb इज यूनिक इन g। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इक्वेशन वाई ए इज इक्वल टू बी इन द जी। तो आपको यहाँ पे दो करने थे, एक तो ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक वाई इज इक्वल टू बी। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी मैंने बता दिया, इसी टाइप से वाई इज इक्वल टू बी भी आप कर सकते हैं। अगर वाई इज इक्वल टू बी करेंगे तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई इज इक्वल टू आप क्या ले लेंगे यहाँ पे, बी ए इनवर्स ले लेंगे, है ना। तो आप जहाँ पर भी यहाँ पे वाई है वहाँ पे क्या करिए, आप बी ए इनवर्स ए लेके चल लीजिए। हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगी, और ये आ जाएगा बी। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, लेट इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बी ऑफ ए सेमी ग्रुप जी द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी देन जी इज ए ग्रुप। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि एक सेमी ग्रुप है और उसके अंदर दो इक्वेशन दे रखी, ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू बी, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन रखती है और ये सेमी ग्रुप जी है तो ये फिर क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा। मतलब हम जानते हैं सेमी ग्रुप के अंदर दो डेफिनेशन होती है, वन इज क्लोज
क्लोजर एंड सेकंड वन इज एसोसिएटिव. स्टूडेंट यहां पे दो डेफिनेशन और हमें चाहिए, वन इज आइडेंटिटी एंड सेकंड वन इज इनवर्स. तो ये जो इक्वेशन वाला यूनिक सॉल्यूशन वाला कांसेप्ट है, इस हम क्या निकालेंगे कि यहां पे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है और इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ये हम यहां पे प्रूव करेंगे. राइट, तो देखो कैसे करते हैं. अगर ये दोनों हमने प्रूव कर दिया तो वो ग्रुप बन जाएगा. क्लियर है? देखो, जी बीइंग ए सेमी ग्रुप इन ए नॉन एम्प्टी सेट, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू जी, देन द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू ए विल हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी. स्टूडेंट यहां पे हमने क्या करा कि यहाँ जो एलिमेंट लिया हमने, यहाँ पे क्या ले लिया, ये दोनों का यूनिक सॉल्यूशन ले लिया. मतलब यहाँ पे जो ए है, इन दोनों को हमने सेम एलिमेंट ले लिया कि इसका सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए होगा और वाई इज इक्वल टू ए होगा. देन देन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी, लेट दिस सॉल्यूशन बी डिनोटेड बाय ई वन एंड ई टू. हमने मान लिया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ई वन और ई टू है. स्टूडेंट यहाँ पे एक्स की जगह हमने ई वन रख दिया और वाई की जगह हमने क्या रख दिया, ई टू रख दिया. स्टूडेंट यहाँ हम ये ले लेंगे. अल्टीमेटली हम यहाँ ई वन और ई टू आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं. अल्टीमेटली ये अब प्रूव करने वाले हैं कि ये जो ई वन है और ये ई टू है, ये दोनों बराबर है और ये हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी. हम प्रूव करेंगे. क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे. अगेन बी विद द एनी अदर एलिमेंट ऑफ जी, हमने मान लिया कि बी कोई ग्रुप का दूसरा एलिमेंट है. देन बाय गिवन प्रॉपर्टी, हमें यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी दे रखी, एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू बी इसका यूनिक सॉल्यूशन रखती है. तो हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू बी लेके चलते हैं. स्टूडेंट वाई इज इक्वल टू बी लिया, हमने क्या करा, ई वन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया. ठीक है ना? अब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई ए इवन और बी इवन. स्टूडेंट ए इवन की वैल्यू देखो, ए इवन ने हमारे पास कितना ए, इसको उठा के हम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे, है ना? तो ये ए आ जाएगा तो वाई इज इक्वल टू बी. और स्टूडेंट वाई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी है, तो बी आ जाएगा. तो देखो बी इज इक्वल टू बी इवन, है ना? बी इज इक्वल टू क्या रहा, बी इवन. तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी आ जाएगी, राइट आइडेंटिटी आ जाएगी, है ना? स्टूडेंट देखो किसी भी एलिमेंट को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास क्या रहा है, ध्यान दीजिए वो क्या रहा है, बी इवन इज इक्वल टू बी. इसका मतलब इवन हमारे पास क्या रहा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा, पर वो किस किधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो वो क्या होगी, हमारी राइट आइडेंटिटी होगी. स्टूडेंट इसी टाइप से हम बात करेंगे, एक्स इज इक्वल टू बी, हम क्या करेंगे, ई टू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको कर देंगे कि इसके क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी, है ना? तो देखिए कैसे करेंगे, e to a x n is equal to e to b. और स्टूडेंट e to a हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, e to a के बराबर, a के बराबर थी e to a. तो ये a उठा के यहां रख देंगे और ax is equal to हमारे पास कितना था, स्टूडेंट ax is equal to हमारे पास b. तो ये b आ जाएगा यहां पे, तो b is equal to e to a e to b. और स्टूडेंट ये जो e to है ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट आइडेंटिटी हो जाएगा. पर स्टूडेंट अभी मैंने आपको इससे पहले थ्योरम बताई थी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है. मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी बराबर क्या हो जाएगा, राइट आइडेंटिटी. तो हम यहां प्रूव कर सकते हैं, सिंस ई वन इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, है ना, एक राइट है और एक इन जी एंड ई टू इन जी, देन हम क्या करेंगे, ई टू इवन बिलोंग्स टू ई टू एंड हम जानते हैं ये क्या, सॉरी ये राइट है, है ना? और यहाँ पे क्या, ई टू इज लेफ्ट आइडेंटिटी इन जी एंड इवन इन जी, देन हम इसको प्रूव कर सकते हैं. स्टूडेंट ये दोनों हमारे पास क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, जो मैंने अभी जस्ट पहले थ्योरम प्रूव कराई वहां से आप देख सकते हैं. इसका मतलब हैज देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी. तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्रूव कर दिया. अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स की बात करेंगे. यहाँ पे इनवर्स भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. अगेन यूजिंग द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ए कॉमा ई बिलोंग्स टू जी, वी फाइंड दैट द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ई एंड वाई ए इज इक्वल टू हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी. स्टूडेंट से जस्ट पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जैसे एक्स है इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे ए इनवर्स ई होता है. और यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कितना होता है, ई ए इनवर्स होता है. और हम जानते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर यूनिक होते हैं. तो हम बराबर करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं. तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाने वाला है द यूनिक सॉल्यूशन इन जी, लेट द दिस सॉल्यूशन बी एक्स ए एंड वाई. हमने मान लिया कि इसका सॉल्यूशन एक्स ए एंड वाई है. तो स्टूडेंट ए एक्स इज इक्वल टू ई एंड वाई ए इज इक्वल टू ई, देन एक्स एंड वाई आर द राइट एंड लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए इन जी. ठीक है ना? देखो ये है क्या हो रहा, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा. तो अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, इनवर्स होगा. और ये भी इसका क्या होगा, इनवर्स होगा. ठीक है ना? अब हम जानते हैं कि अगर एक्स ए और वाई एक इनवर्स है, एक तो लेफ्ट इनवर्स है और एक राइट इनवर्स है. स्टूडेंट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इससे पहले वाली थ्योरम कि यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों एलिमेंट होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे. तो वही एक्स इज इक्वल ए एक्स इज इक्वल टू ई और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे. देन हम जानते हैं वाई ए इज इक्वल टू वाई और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी होती है. तो ये वापस क्या हो जाएगा, एक्स से बराबर वाई आ जाएगा. देन यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. सिंस द आइडेंटिटी एग्जिस्ट एंड एवरी एलिमेंट जी इज इनवर्टिबल इन सेमी ग्रुप जी, देयरफॉर जी इज ग्रुप. तो यहाँ पे हमने क्या करा कि सेमी ग्रुप था और ax is equal to b and y a is equal to b, हमने एक सॉल्यूशन लिया, यूनिक सॉल्यूशन था. तो हमने यहां पे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स भी यहां पे निकाल लिया. ठीक है ना? सो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं. ठीक है? सो रिमार्क, g सेमी ग्रुप सच दैट a b इन g ओनली द इक्वेशन ax is equal to b और y is equal to b हैज द यूनिक सॉल्यूशन g, देन g मे नॉट बी अ ग्रुप. स्टूडेंट यहां पे
ध्यान देने की जरूरत है कि दोनों सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन होनी चाहिए। अगर एक इक्वेशन होगी तो फिर यहां पे वो ग्रुप नहीं होगा, है ना। दिस कैन बी ऑब्जर्व बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। इस एग्जांपल से हम इसको यहां पे समझ सकते हैं। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट हैविंग द एटलीस्ट टू एलिमेंट डिफाइंड अ बाइनरी ऑपरेशन इन जी एस फॉलोज। स्टूडेंट यहाँ पे ठीक है, ये अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रूफ के ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो आपको समझ में आएंगे जहाँ पे ग्रुप की प्रॉपर्टी ली। और स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट मैं देख रहा था और काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन मुझे मिल रहा है, पर कुछ एक दो स्टूडेंट का कमेंट ये भी था कि सर स्मार्ट बोर्ड पे मत पढ़ाइए, सर बोर्ड पे कराइए। तो यार मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये प्योर सब्जेक्ट है, और प्योर सब्जेक्ट को अगर हम बोर्ड पे पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत टाइम खराब होगा, लिखने में टाइम खराब होता है पहली बात, दूसरी बात वहाँ टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है, चौथी बात तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जब हम लिखते हैं तो जो थ्योरम के प्रूफ होते हैं तो वो हम लोग शॉर्ट में समझाते हैं, पर आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो वहाँ शॉर्ट में नहीं लिख सकते, वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं जानबूझ के आपके सामने बहुत इसलिए रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखो, क्योंकि एलजेब्रा के अंदर अगर आपने जरा सी चीज़ को अगर ढंग मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं किया तो मार्क्स कट जाते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है समझने की कोशिश करिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स मिले और एग्जाम में आप प्रॉपर तरीके से करके आओ। इस इंटेंशन से मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे करा रहा हूँ, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और स्टूडेंट अगर आप के एग्जाम भी बहुत नज़दीक है और मुझे यहाँ पे कंटेंट टाइम पे डिलीवर करना है, इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ। और भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स को पीपीटी पे लाना और फिर आपके लिए कंटेंट लेके आना बहुत बड़ा टास्क है, और इस टास्क के लिए मुझे मेहनत लग रही है ना। अगर यही चीज़ मैं बोर्ड पे लिखना तो मेरे लिए बहुत ईजी है, आराम से मैं कर सकता हूँ, पर मैंने करके देखा। पर स्टूडेंट यही मैं आपको 15 से 20 मिनट में समझा पा रहा हूँ, और वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा लगता है क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो फिर वापस बोर्ड पर प्रूफ लिखो, तो यहाँ पर लिखने में और करने में टाइम खराब होता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो मेरा इंटेंशन को समझने की कोशिश करिए। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच और बने रहिए मेरे साथ, और ये जो लास्ट में वीडियोस हैं ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टूडेंट नया चैनल जो मैंने बनाया है यूट्यूब पे, वो आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप मेरे कंटेंट को देख सकते हैं, और लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।